चलो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला हमको समझना चाहिए कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। जैसे एक सर्किल है, मैं एक सर्किल बना देता हूँ छोटा सा। इस सर्किल में ये एक सेंटर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है। मान लो यहां से ए से चलना शुरू किया और बी पे पहुंचा, इस सर्कुलर पाथ पे सेंटर ओ है। तो ए से बी तक गया तो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। तो ये हो गया एंगल, ठीक है। और उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ए बी होगा, लेकिन ए से बी तक एक्चुअल पाथ की बात की जाए तो वो आर्क ए बी होगा। आर्क ये आर के बी है, आर के बी। और ये लाइन ए बी का मतलब होता है, लाइन ए बी अगर मैं इसको ऐसे करूं डॉटेड लाइन से, ये आपका लाइन ए बी है, ये इस कर्व पे नहीं है, ठीक है, कर्व से बाहर है। तो हमको इस फॉर्मूले में क्या लेना है, हमको आर्क की जरूरत है। तो आर्क ए बी की जरूरत है, यहां पर आर्क जो होगा वो ए बी हुआ। थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन रेडियस, एज्यूम करो इस सर्किल का रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, याद रहेगा। जैसे ये डिस्टेंस अगर मान ले ए बी का, ये डिस्टेंस आर्क ए बी की वैल्यू अगर एस है, ठीक है, तो ये बोला जाएगा एस अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, याद रखना। अच्छा, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो 1 रेडियन 57.3 होगा। जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, तो अगर 2 पाई रेडियन की बात करें, ठीक है, 2 पाई रेडियन अगर 360 के इक्वल है तो 2 पाई इनटू 1 रेडियन, ऐसे इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अगर ये वैल्यू यहां रखी जाए 1 रेडियन, रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 6.28। अगर आप 360 में 6.28 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, रुको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितना है, 360 डिवाइडेड बाई 6.28, ये आएगा 57.32। कितना आ रहा है ये, 57.32। देखो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आ रही, 57.32 है, करेक्ट है। तो ये कैसे आया, ये समझ में आ गया। तो 1 रेडियन की वैल्यू 57.32 होती है, ये आपको याद रखना है। और 2 पाई रेडियन की वैल्यू 360 होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर इसी में एक चीज और मैं ऐड कर दूं, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 होता है, करेक्ट है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ये बोलूंगा। इसी को उल्टा करते हैं, अगर हम इसी को उल्टा करते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो आपको अगर कन्वर्जन करना है, एज्यूम करो, ठीक है, कि 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिखो 45 इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री ये सी लिख दिया मैंने, यहां सी नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिग्री होना चाहिए था, ठीक है, करेक्ट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन इज इक्वल टू, अब 45 को कट करो इससे, 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम कट होगा, नहीं 4 टाइम कट होगा, सो पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन। उसी तरह जैसे 60 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, 60 इंटू 1 डिग्री, यानी 60 इंटू 1 डिग्री की जगह पाई बाई 180 रेडियन,
तो इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कटा, सिक्स से थ्री टाइम कटेगा, पाई बाई थ्री रेडियन, करेक्ट है। इसी तरह कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हो, रेडियन को जैसे पाई बाई टू रेडियन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई टू इंटू वन रेडियन, वन रेडियन की वैल्यू कितनी है, 180 बाई पाई, पाई बाई टू इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई कटा, टू से ये 90 टाइम्स जाएगा, यानी 90 डिग्री हो गया। तो पाई बाई टू रेडियन की वैल्यू 90 डिग्री बराबर है, 45 डिग्री की वैल्यू पाई बाई फोर रेडियन के बराबर है, 60 डिग्री की वैल्यू पाई बाई थ्री रेडियन के इक्वल होती है। तो ये प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करते हैं, एंगल के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, साइन थीटा, जैसे एक ट्रायंगल अगर मैं बना दूं, एक ट्रायंगल मैं बनाऊं, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, यहां एंगल हमने थीटा लिया और बी का एंगल है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो एंगल आप लेते हो उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, तो तीसरी साइड जो होती है वो बेस कही जाती है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है, ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है, ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉस थीटा होता है। रेसिप्रोकल है तो ऑब्वियस सी बात है, जो साइन थीटा का रेशियो है उसका जस्ट उल्टा होगा, तो यानी ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो सेक थीटा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है कॉस थीटा, तो यहां क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। सिमिलरली टेन थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा भी इसका रेसिप्रोकल है, तो उसका क्या होना चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होना चाहिए, करेक्ट है। तो ये रेशियो हो गया। अगर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं साइड्स का रेशियो लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए बी अपॉन ए सी, यहां क्या लिखूंगा, बेस मींस बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, और टेन थीटा का क्या लिखूंगा, टेन थीटा का परपेंडिकुलर मींस ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल इधर भी लिखा जा सकता है, हाइपोटेनस मींस ए सी, परपेंडिकुलर मींस ए बी, हाइपोटेनस मींस ए सी, बेस मींस बी सी, बेस क्या है बी सी है, और परपेंडिकुलर यहां क्या है वो ए बी है, तो ये रेशियो हो गया, ये याद रहेगा बिल्कुल, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको याद रखना। अच्छा, इसी में अगर मैं एक छोटी चीज है मैं ऐड कर दूं, जैसे ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए, इसको ए कहा, या ए इसको कह देते हैं, ए इसको कह देते हैं, बी इसको और सी इसको। तो अगर अब आप टेन अल्फा की वैल्यू लिखोगे, ठीक है, टेन अल्फा की वैल्यू आपको चाहिए, या साइन अल्फा ही लेते हैं, पहले साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, साइन अल्फा जो एंगल आप लेते हो उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने की साइड तो हाइपोटेनस होती है, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग बी सी अपॉन ए सी होगा। लेकिन लेकिन अगर, ठीक है, आप साइन बीटा की बात करते हो, तो आपने एंगल कौन सा लिया, ये वाला ऊपर वाला, तो उसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर अब होगी, अब ये बेस नहीं रहेगा इसके, इस ट्रायंगल का, ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर चेंज होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, और बेस भी चेंज होगा, हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। तो अगर बीटा आपने लिया, तो बीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर हुई ये, तो अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा इसका, ए बी अपॉन ए सी, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। सिमिलरली कॉस अल्फा के साथ भी होगा, कॉस बीटा के साथ भी, टेन अल्फा टेन बीटा, ये सारी चीजें इसी तरह चेंज हो जाएंगी, ये आपको मेमोराइज रखना है, ये दोनों पॉइंट जो मैंने अभी बताए साइन अल्फा और साइन बीटा के कॉन्टेक्स्ट में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये रिलेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्टैंडर्ड वैल्यू है, और आपको सभी बुक में दिया होता है, लेकिन आपको याद करना है सिर्फ इतना, 9-10 में भी इतना ही याद करना होता है, इसकी कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, उसका एक शॉर्टकट मेथड मैं बताऊंगा कि इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको,
ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/2 और 60 की वैल्यू 3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू और टेन की वैल्यू, ये याद कर लो, ठीक है, इतना याद कर लो, बाकी सब कुछ याद हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बाकी रेसिप्रोकल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो रेसिप्रोकल मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, तो इसी का रेसिप्रोकल अगर कहूं तो cot, ये cot है ना, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होगा, इसमें cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होगा, ये sec है, साइन नहीं है, ठीक है, और साइन सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, ये साइन है, sin theta is equal to 1/cosec theta, तो cosec theta is equal to 1/sin theta, ये होगा, ठीक है, और ये sec theta is equal to 1/cos theta, ये होगा, करेक्ट ना, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं, तो अगर tan theta की बात करें तो cot theta की बात करें, cot theta tan theta का reciprocal होता है 1/tan theta, तो 1/tan theta मतलब 1/0, यहां 1/1/√3, यहां 1/1, यहां 1/√3, यहां 1/∞, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, 1/√3 रूट थ्री होगा, ये 1/1 होगा, 1/√3 रूट थ्री, 1/√3 होगा, इसको यहां लिख दूं 1/√3, और 1/∞ जीरो होगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉट की वैल्यू आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू है, तो आपको एक याद होगा तो उसका रेसिप्रोकल तो बहुत आराम से आप लिख लोगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का बस 1/ ये वैल्यू कर देना है, पूरा टेबल इसका बन जाएगा, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने याद करने से आपको सबकी वैल्यू आपको मेमोराइज हो जाएगी, ठीक है, और अगर कभी इसकी जरूरत पड़े, इसकी जरूरत पड़े, इसकी जरूरत पड़े, तो उसका मैं शॉर्टकट मेथड बता देता हूं, कि आप कोई भी फॉर्मूले, कोई भी वैल्यू का, ठीक है, जो इससे रिलेटेड होगा वो सब आप वैल्यू निकाल सकते हो, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, अब देखो इसमें जो मैं कह रहा था ना कि सारी वैल्यूज याद नहीं करनी है, जो इसकी वैल्यूज हैं ये सारी, ये याद नहीं करनी है, तो और सिर्फ ये याद करने से भी आपका काम चल जाएगा, तो वो कैसे चलेगा वो मैं बता दे रहा हूं, देखो क्वाड्रेंट रिलेटेड पॉइंट टू बी मेमोराइज, जो चीजें आपको मेमोराइज करनी है, जैसे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दे रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का भी होता है और 360 डिग्री का भी होता है, ये वाली लाइन होती है 90 डिग्री की, ये वाली लाइन आपकी 180 डिग्री की, ये वाली लाइन आपकी 270 डिग्री, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो कभी भी 360 की वैल्यू पूछेगा तो आप 0 डिग्री पुट कर सकते हो, 360 इज इक्वल टू 0 कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा ना, चलो नेक्स्ट करते हैं, अच्छा ये वाली लाइन है 90 डिग्री की, जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने कहा ये एक लाइन मैंने ली, ओ पी लाइन ली, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ऑब्वियस बात है, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, अगर कोई पूछे साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू, cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू, और sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू, और cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू, आप कैसे निकालोगे, अच्छा ये OP लाइन है कहां पर, ये OP लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये चार क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये लाइन ओपी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, करेक्ट है, ये याद रहेगा, तो अब देखो इसमें पी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस पे, मान लो ये एम पॉइंट मिला हमको, और पी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और ये एन पॉइंट मिला, तो एम जो पॉइंट है ओ एम, ये आपका प्रोजेक्शन होगा किसका, ओपी का, ओपी लाइन का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे हमेशा ड्रॉ किया जाता है, कोई भी ओपी लाइन होगी किसी भी एक्सिस में होगी, यानी किसी भी क्वाड्रेंट में होगी, उसका जो प्रोजेक्शन है हमेशा एक्स एक्सिस पे दिया जाता है,
ठीक है, तो ओपी क्या हो गया, प्रोजेक्शन, और ये जो ट्राइंगल है ये प्रोजेक्शन ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल हो गया, ओपीएम ट्राइंगल, ओपीएम कौन सा ट्राइंगल हुआ, प्रोजेक्शन ट्राइंगल, जिस जिस ट्राइंगल के अंदर आपका ओपी का प्रोजेक्शन लाई कर रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल इसको फर्स्ट ट्राइंगल कह दो, और दूसरा ट्राइंगल जिसमें थीटा लाई कर रहा है वो आपका सेकंड ट्राइंगल हो गया, ठीक है, याद रहेगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, साइन थीटा और ये अगर प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन हमेशा बेस होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, हमेशा बेस होता है, इसको बेस बोला जाता है हमेशा, तो और ये 90 डिग्री है यहां पर, तो ऑब्वियस बात है ओपी हाइपोटेनस होगा, और ये क्या होगा, पीएम, पीएम आपका परपेंडिकुलर होगा प्रोजेक्शन ट्राइंगल में, लेकिन दूसरे ट्राइंगल में जिसमें थीटा है, थीटा के सामने की साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, थीटा के सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ऑब्वियस सी बात है उसका भी ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस होगा वो ओपी होगा, और उसका बेस कौन होगा, ओएन आपका बेस होगा इस ट्राइंगल का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्शन ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर पहचानना है, ठीक है, और बेस, बेस तो आपका प्रोजेक्शन ही होता है, तो परपेंडिकुलर पहचानना बहुत जरूरी है। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा आप करते हो, साइन 90 माइनस थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, पीएम है ना, परपेंडिकुलर पीएम है, हाइपोटेनस क्या है, ओ पी है, ठीक है। अब पीएम किसके इक्वल है, पीएम को देखो, पीएम क्या ओ एन के इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन की लेंथ इक्वल है कि नहीं है, मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर दे रहा हूं, पीएम ये यहां से यहां तक ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होगी ना, दोनों इक्वल होगी, ये मैंने लिख दिया यहां पर। अब देखो पीएम की वैल्यू ओएन के इक्वल है, तो उसको ओएन आप लिख दो, ओएन अपॉन ओपी। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये वाले ट्राइंगल में जिसमें थीटा है, ओएन बेस है इसका, बेस है इस ट्राइंगल का, बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है ये, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा इस ट्राइंगल का, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, कॉस थीटा होगा ना, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, राइट साइड पॉजिटिव होगा और ऊपर की साइड डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, लेफ्ट डायरेक्शन निगेटिव होगी और नीचे की डायरेक्शन निगेटिव होगी, ये पॉइंट याद रखना, ये मैंने शुरू में नहीं बताया था, मैंने अभी बताया। अब cos 90 माइनस थीटा की बात करो, cos 90 माइनस थीटा का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मतलब om अपॉन हाइपोटेनस मतलब op इस ट्रायंगल में, प्रोजेक्शन ट्रायंगल में। अब om की वैल्यू, om की वैल्यू क्या pn के इक्वल होगी, क्योंकि इक्वल है ना दोनों, मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी कि नहीं होगी, इक्वल होगी ना, ठीक है। अब ये वैल्यू OM की जगह PN अगर हम पुट कर दें यहां पर और OP, तो PN है क्या, PN थीटा वाला जिस ट्रायंगल में थीटा है उस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बन गया कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बन गया साइन थीटा, बन गया। उसी तरह जब आप tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू cot थीटा की आएगी, cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो tan थीटा आएगी, sec 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो cosec थीटा आएगा, और cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू sec थीटा आएगी। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये भूलना नहीं है, ठीक है। इसको मैं एक शॉर्ट मेथड भी बता देता हूं, इसके बाद अभी बता दूंगा, लेकिन ये चीज पूरा आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो दो चीजें हैं इसमें, एक दो ट्राइंगल हैं, आपको ये याद रखना है कि पहला ट्राइंगल जिसमें प्रोजेक्शन है ओपी का वो ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल जिसमें आपका थीटा है, दो ट्राइंगल हैं, ठीक है। इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल गया, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। कब ये होगा, कब ये चेंज होगा, जब प्रोजेक्शन ट्राइंगल, प्रोजेक्शन जिस ट्राइंगल में है वो अलग ट्राइंगल हो और थीटा जिस ट्राइंगल में हो वो डिफरेंट ट्राइंगल हो, तो उस केस में साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज होगा। अच्छा, अब अगर जो ट्राइंगल है प्रोजेक्शन ट्राइंगल और
थीटा वाला ट्राइंगल, अगर वो दोनों एक ही ट्राइंगल में हो तो तब क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस हम कर लेते हैं। ठीक है, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। ये ओ है, मान लो ये लाइन है, ठीक है, ओ, ये पी है पॉइंट, ठीक है, ओपी। अब इसका प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, ये एम है और ये एन है। अब मान लो कि ये एंगल है थीटा, एज्यूम करो ये भी आपका प्रोजेक्शन ट्राइंगल ये होगा और जो है थीटा वाला ट्राइंगल ये, इसमें भी दो डिफरेंट ट्राइंगल हो गए ना। अभी हम लोग इसके बाद जो है जो अगला करेंगे उसमें प्रोजेक्शन ट्राइंगल और जो है थीटा वाला ट्राइंगल सेम अगर एक ही होगा तो उसमें कैसे करेंगे हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा होगा, ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा होगा। तो अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालू, कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालू, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालू तो कैसे निकालूंगा। सबसे पहली बात, प्रोजेक्शन का ये बेस है, प्रोजेक्शन ट्रायंगल का ये बेस हुआ तो अभी से बात है ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस तो अभी से बात है 90 डिग्री यहां बन रहा है तो सामने वाली साइड ओपी हाइपोटेनस हो गई। ओपी क्या होगी, हाइपोटेनस। और यहां पर ध्यान रखने है कि आपका ओएम की वैल्यू पीएन के इक्वल है और ओएन की वैल्यू पीएम के इक्वल है, ध्यान रखना इस बात का, ये भूलना नहीं। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ये प्रोजेक्शन ट्रायंगल की बात हो रही है, प्रोजेक्शन ट्रायंगल ये हुआ, उसका परपेंडिकुलर ये हुआ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब पीएम, पीएम अपॉन ओपी। अब पीएम की वैल्यू किसके इक्वल है, ओएन के इक्वल है ना, ओएन के इक्वल है। अब ओएन इस ट्रायंगल का क्या है, इस ट्रायंगल के सामने वाली थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियस बात है ये बेस हो गया, तो ओएन क्या हो गया, बेस हो गया ना, ओएन हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, करेक्ट। सिमिलरली अब कॉस 90 माइनस थीटा, अच्छा यहां ध्यान रखने वाली बात है, लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव साइन होगा, ऊपर की साइन पॉजिटिव होगी। तो अभी हमने जो भी डिस्टेंस यूज किया है वो पॉजिटिव यूज किया, पीएम किधर है, पीएम आपका ऊपर की तरफ है, ऊपर मतलब पॉजिटिव, ओएन भी यूज किया वो भी पॉजिटिव। लेकिन अब कॉस 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें बेस कौन होगा, ओएम, ओएम नेगेटिव है अपॉन ओपी और ओएम की वैल्यू किसके इक्वल है, पीएन के वैल्यू के इक्वल है, माइनस पीएन अपॉन ओपी। और पीएन है क्या इस ट्रायंगल में, पीएन क्या है, परपेंडिकुलर है ना, पीएन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा होगा ये, करेक्ट है। तो कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा हुई। उसी तरह जब टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू माइनस कॉट थीटा आएगी, कॉट थीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो माइनस टेन थीटा आएगी और सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा। लेकिन साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू प्लस आएगी, कैसे प्लस आएगी वो मैं भी बता देता हूं। तो कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोसेक क्या है, रेशियो क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ओपी है और परपेंडिकुलर क्या है इस प्रोजेक्शन ट्रायंगल में, पीएम है, पीएम है और पीएम की वैल्यू ओएन के इक्वल है तो ओपी अपॉन ओएन। अब ये कन्वर्ट हो गया आपका थीटा वाले ट्रायंगल में, ठीक है, थीटा वाला ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल है, तो ओपी अपॉन हाइपोटेनस अपॉन ओएन, ओएन इस ट्रायंगल में बेस है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा, ठीक है, और ये प्लस में होगा, करेक्ट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। अब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें जैसे 90 प्लस थीटा में देखो और 90 माइनस थीटा में हम लोगों ने निकाल लिया इस क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा हम लोगों ने कर लिया। एक और हम कर लेते हैं और जिसमें प्रोजेक्शन ट्रायंगल और प्रोजेक्शन ट्रायंगल और आपका थीटा वाला ट्रायंगल अगर एक ही ट्रायंगल में हो तो क्या होगा। जैसे ये ओ है, ये पी है, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है,
राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड निगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, ठीक है। प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ किया एम और ये एन, ये आपका प्रोजेक्शन है, ये आपका बेस होगा इस ट्रायंगल का। अच्छा, अब यहाँ पर थीटा हमने लिया, अब प्रोजेक्शन ट्रायंगल भी यही है, देखो प्रोजेक्शन ट्रायंगल भी यही है और थीटा भी इसी ट्रायंगल में है, प्रोजेक्शन देखो इसी ट्रायंगल में है और थीटा भी इसी ट्रायंगल में है। अब आपका ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अब अगर आप निकालोगे सॉल्व करके साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू, तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि जिस ट्रायंगल में प्रोजेक्शन है ओपी का उसी ट्रायंगल में थीटा भी है, तो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, प्रोजेक्शन के ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये बेस है, तो प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये भी परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेन्यूज तो ये हुआ, तो लेफ्ट साइड निगेटिव हुई ना, लेफ्ट साइड निगेटिव साइन है, तो अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना होगा पीएम, पीएम अपॉन ओपी, अब उसी ट्रायंगल में ये वैल्यू थीटा में आ रही है, थीटा भी उसी ट्रायंगल में, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस साइन थीटा ही होगा, साइन थीटा ही होगा, क्योंकि आपने दूसरे ट्रायंगल में तो आपने स्विच नहीं किया, क्योंकि उस ट्रायंगल में आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्शन ट्रायंगल और प्रोजेक्शन ट्रायंगल और थीटा वाला ट्रायंगल सेम है, इसलिए साइन साइन में ही रहा, साइन का कॉस नहीं हुआ, जबकि इससे पहले दोनों में क्या था, इस वाले में देखो 90 प्लस थीटा वाले में साइन कॉस में चेंज हुआ था, कॉस साइन में चेंज हुआ था, नहीं गलत लिख दिया है, इसको ठीक कर लेना, ये कॉस नहीं है, कोसेक है, पूरा कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा में कन्वर्जन ये होता है, ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने जो किया है उसमें भी दोनों ट्रायंगल डिफरेंट ट्रायंगल थे, प्रोजेक्शन वाला ट्रायंगल अलग था और थीटा वाला ट्रायंगल डिफरेंट था, इसलिए साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हुआ था। चलो तो आगे हम लोग जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें क्या हम लोगों ने देखा, उसमें हम लोगों ने देखा कि साइन साइन में ही रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्शन ट्रायंगल और थीटा वाला ट्रायंगल दोनों सेम ट्रायंगल हैं, इसलिए साइन साइन ही रहा। अब कॉस